दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को दावा किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से संबंधित मौतों की जांच के लिए समिति गठित करने की जरूरत खारिज की है, क्योंकि इस संबंध में जांच के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित कार्यालय बल है। और सिसोदिया ने इस बीच ये भी कहा कि केंद्र जांच से भाग रहा है, क्योंकि यदि मौतों की जांच की जाती तो जनता स्पष्ट रूप से उनकी लापरवाही और धोखाधड़ी को देखेगी। सिसोदिया ने यह दोहराते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था कि ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों को संख्या को सही तरीके से सामने रखने के लिए एक जांच समिति की आवश्यकता होगी। उन्होंने यहाँ एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बुधवार को प्राप्त पत्र में उन्होंने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद 6 मई को एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया गया था।